भाभी आमदार, भाभी नगर सेवक, हमारे बड़े भाई चैते कलीम कुरैशी साहब, और जो जिसकी सालगिरह है, जो शाकिर सौदागर साहब है, और युवाओं की धड़कन कलीम भैया कुरैशी, इनके हाथों से शाल वाटप का प्रोग्राम रखा गया है। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा। शाकिर भाई का यह 38वां साल है और उन्होंने ये प्रोग्राम के बारे में तो मुझे बताए नहीं थे, नहीं तो मैं और उनको और सपोर्ट करके बहुत अच्छे से प्रोग्राम करता था, क्योंकि मेरे को अचानक उन्होंने ये बोले कि एक छोटा मोटा प्रोग्राम है तो वहां से भी विजिट मारो बोल के। और नेक्स्ट टाइम में शाकिर भाई का जो बर्थडे बनाएंगे ना, तो इससे तारस में इससे अच्छा और बनाऊंगा भाई, क्योंकि ये जवाबदारी मेरी रहती है, क्योंकि मेरे लिए वो इतना काम करते, भागाम दौड़ी करते, ये इन्होंने मेरे को सरप्राइज दिए। अगर मुझे बताते थे ना, मैं अच्छे से मंडा बिंडा डाल के इससे बड़ा प्रोग्राम लेता था। और इंशाल्लाह आने वाले साल के टाइम पे इससे बड़ा प्रोग्राम लूंगा, और जो भी जो अपने बस्ती का जो मसला है और गरीब का, उनको पूरे पूरी कोशिश करूंगा, पूरी सपोर्ट करने की। इस बहाने से कहने की आपकी तैयारियां भी है ताकि गरीब की दुआएं भी मिले, आशीर्वाद भी मिले, उस बहाने से आपकी तैयारी शुरू, ऐसा तो नहीं? मैं मेरे खुद की तैयारी नहीं करता, जब पूरी पब्लिक मेरे को बोलती कि तुम खड़े रहो, तो वो हिसाब से मैं पहले पूरा राय मशवरा लेता, उसके बाद ही डिसीजन लेता मैं क्या करना चाहिए। आज ये कार्यक्रम हमारे लाड़के बड़े भाई शाकिर सौदागर, इनके जन्मदिन दिवस पे रखा गया है, जिसका आगाज हमारे युवाओं के धड़कन कलीम भैया कुरैशी, इनके हाथों से शाल वाटप का प्रोग्राम रखा गया है। ये एक सामाजिक काम है और गौर गरीबों के लिए जो जरूरत की चीज है, आज जरूरत की चीज ज्यादा, अब ठंडी का मौसम है, बहुत से लोग गरीब लोग के पास स्वेटर नहीं होते, शाल नहीं होती ओढ़ने के लिए, तो इसलिए हमारे शाकिर सौदागर के जन्मदिन के अवसर पर हमने सर्दी के मौसम को हिसाब देखते हुए शाल वाटप का कार्यक्रम रखा। औरंगाबाद शहर जिला कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष शेख यूसुफ भाई ने शहर बॉडी में शहर सचिव पद दिए, तो इसके वास्ते भी एक ये प्रोग्राम जन्मदिन के साथ साथ उनका वो भी सत्कार होगा। अरे हमारे दिल की धड़कन, आपकी जो भी आपकी जो धड़कन है, हमारे भाभी आमदार, भाभी नगर सेवक, हमारे बड़े भाई चैते कलीम कुरैशी साहब, और जो जिसकी सालगिरह है, जो शाकिर सौदागर साहब है, और हमारे उनके जिगरी दोस्त है, और हमारे बड़े भाई, ये जो पूरे टीम है यहाँ पर आई हुई है, कि हर औरंगाबाद शहर के अंदर क्या होता कि सालगिरह के अंदर केक काटा जाता, बड़े बड़े तलवारें बता के केक काटा जाता, लेकिन हमारे जैसा कलीम कुरैशी साहब ने बोले, गरीब जो कलीम कुरैशी साहब का बोलना था कि मिसरवाड़ी के अंदर गरीब गुरबा बस्ती में जो तो दलित समाज है, मुस्लिम समाज है, कि इनको कुछ ऐसा वो काम करो कि लोगों को दिखे, तो शाकिर सौदागर साहब के पास ये बात आई, तो शाकिर सौदागर साहब ने कहा कि चलो ठीक है, अपन जो तो सर्दी के मौसम में हमारे जो तो ब्लैंकेट बांटना है, तो हमारे शुभ हाथों से हमारे कलीम कुरैशी साहब ये बांटेंगे, और सब मेरी माँ बहनों से ये है कि हमारे दोनों नेताओं को दुआ दे, क्योंकि आपकी दुआ बहुत आगे तक इंशाल्लाह लेके जाएंगे, कि यही काम होता, बाकी तो कुछ नहीं रहता। सबको आदाब अर्ज है, पहली बात मैं बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा। शाकिर भाई का यह 38वां साल है और उन्होंने ये प्रोग्राम के बारे में तो मुझे बताया नहीं थे, नहीं तो मैं और उनको और सपोर्ट करके बहुत अच्छे से प्रोग्राम करता था, क्योंकि मेरे को अचानक उन्होंने ये बोले कि एक छोटा मोटा प्रोग्राम है तो वहां से भी विजिट मारो बोल के। और नेक्स्ट टाइम में शाकिर भाई का जो बर्थडे बनाएंगे ना, तो इससे तारस में इससे अच्छा और बनाऊंगा भाई, क्योंकि ये जवाबदारी मेरी रहती है, क्योंकि मेरे लिए वो इतना काम करते, भागाम दौड़ी करते, ये इन्होंने मेरे को सरप्राइज दिए। अगर मुझे बताते थे ना, मैं अच्छे से मंडा बिंडा डाल के इससे बड़ा प्रोग्राम लेता था। और इंशाल्लाह आने वाले साल के टाइम पे इससे बड़ा प्रोग्राम लूंगा, और जो भी जो अपने बस्ती का जो मसला है और गरीब का, उनको पूरे पूरी कोशिश करूंगा, पूरी सपोर्ट करने की। ये माना जाए कि इस बहाने से कहने की आपकी तैयारियां भी है ताकि गरीब की दुआएं भी मिले, आशीर्वाद भी मिले, उस बहाने से आपकी तैयारी शुरू, ऐसा तो नहीं? मैं मेरे खुद की तैयारी नहीं करता, जब पूरी पब्लिक मेरे को बोलती कि तुम खड़े रहो, तो वो हिसाब से मैं पहले पूरा राय मशवरा लेता, उसके बाद ही डिसीजन लेता मैं क्या करना चाहिए। इस तरह से आपने इनकी बात को सुना, और शाकिर सौदागर साहब जो कांग्रेस के शहर सचिव बनाए गए हैं, उनका जन्मदिन है, और नेताओं का जन्मदिन बड़ा अनोखा होता है, बड़े बड़े रोड पे होर्डिंग लगाई जाती हैं, केक काटे जाते हैं, और बहुत हजारों रुपए खर्च होता है, लेकिन वो वाय चल जाता है, बेकार चल जाता है। तो एक बहुत बड़ी इंसानियत की, एक मानवता की, एक बहुत बड़ी इन्होंने एक उदाहरण पेश किया है, एक मिसाल पेश की है, कि इस बहाने से भी हम हमारे समाज के, हमारे मोहल्ले के, हमारे वार्ड के, हमारे गरीब दुबले सभी धन समाज के लोगों को हम कैसा हमारी खुशी में शामिल कर सकते हैं, कि खुशी में कुछ तोहफा देने के बाद उनके मन से दुआ निकले, भगवान से, अल्लाह से आशीर्वाद से दुआ निकले, ये इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। तो उम्मीद करते हैं कि कहने को छोटा कार्यक्रम हो सकता है,
लेकिन इस बहाने से मैं तमाम पार्टियों के नेताओं से भी कहना चाहता हूं, उनसे मेरी विनती है कि जब भी आपका जन्मदिन मनाया जाए पूरे शहर औरंगाबाद के अंदर, पूरे जिले के अंदर, इस प्रकार से मनाइए कि तमाम गरीब जनता जो हर धर्म समाज में आते हैं, चाहे दवाखाना हो, घासी हो, MGM हो, श्याल हो, जो भी हो, इनको आप बांटने का काम कीजिए। हो सकता है कि इनकी दुआओं से, इनके आशीर्वाद से आपका कल्याण हो और आप विजय की ओर चले। तो हम समझते हैं बहुत बड़ा संदेश कहने का ये मिश्रवाड़ी है, लेकिन बहुत बड़ा मानो तो संदेश जा रहा है। और उम्मीद करते हैं शाकिर सौदागर साहब की तमाम जनता का आशीर्वाद और दुआएं आपको मिलेंगी और आपकी जो मनोकामना है। और कलिंगपुर साहब जैसा अभी आप कहा गया है कि भवी आमदार, मैं तो चौंक गया था। हो सकता है कि दुआ में असर होता है, औरंगाबाद शहर ने देखा है जब दुआएं लगती है तो कितना बड़ा परिवर्तन आया है। तो इसी प्रकार से हो सकता है कि आने वाले परिवर्तन में आप भी आमदार बन जाए, यही शुभकामना के साथ मैं विदा लेता हूँ।
चलो जावेद भाई, हाँ स्पीड में हवा जा रहा है।